मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान के जोधपुर का फेमस मिर्ची वड़ा। तो आइए बनाना शुरू करें। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़ी साइज की मिर्ची ली है। इसको इस तरह से हम कट लगाएंगे और इसके अंदर के सारे बीज को हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मिर्ची के बीज हमें निकाल देने हैं। आप इसे चम्मच की मदद से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे मिर्ची को हमने कट लगा के इस तरह से तैयार कर दिया है। अब इसके स्टफिंग के लिए हम एक ड्राई मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक खल में एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा लेंगे। इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से हमें दरदरा रखना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं, इसको बॉईल करके इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। फिर इसमें हमने जो ड्राई मसाला तैयार किया है वो डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसमें हमने जो बॉईल किए हुए आलू है वो हाथों से ही मैश करके इसमें डाल देंगे। अब इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे और इसे फिर से हिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब मिर्ची वड़े के लिए हम बेसन का एक बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में हमने 2 कप बेसन लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसको हाथों से मसल कर ऐसे डालना है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब इसमें 1/2 चम्मच खाने का सोडा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बैटर ज्यादा पतला ना हो जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हमने जो मिर्ची को कट लगा कर रखा था उसमें हम हमारा स्टफिंग भर देंगे। इसी तरह सारे मिर्ची में हमें ये स्टफिंग का मसाला भर के इसे रेडी करना है।
आप देख सकते हैं कि हमने सारी मिर्चियों में स्टफिंग भर के तैयार कर दिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तैयार किए हुई मिर्ची को हम बैटर में डीप करेंगे। और इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि मिर्ची अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह सारे मिर्ची वड़े हम बना लेंगे। तो तैयार है हमारे मिर्ची वड़ा। तो आप ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।